हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इजी टॉपिक सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। आपको पहले से पता होगा कि सेल वॉल प्लांट में और फंजाई में पाई जाती है। फंगस और प्लांट के पास ही सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल ये भी पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हम सेल मेम्ब्रेन को अगर बनाएं, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम बना दें तो इसके ऊपर पाई जाती है सेल वॉल। ये होती है हमारी सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो लिविंग होती है, जबकि सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है ये डेड होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग होती है सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है। जो लिविंग होगा वही ग्रोथ शो करेगा, ग्रो कर सकती है, जबकि ये ग्रो नहीं कर सकती। प्राइमरी सेल वॉल आगे चलकर डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल बाकी रहती है और इसी से ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल में। सेल वॉल का जो फंक्शन होता है सिर्फ सेल को शेप देना नहीं, आपको पहले से ही पता है, पहली वीडियो मैंने डिस्कस किया है बैक्टीरिया के केस में कि सेल वॉल उसको शेप देती है। सेल वॉल सिर्फ शेप ही नहीं देती, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, टूटने फूटने से बचाती है सेल को, सेल को इन्फेक्शन से बचाती है, बहुत सारे अनडिजायरेबल जो मॉलिक्यूल हैं उससे भी बचाती है सेल वॉल। सेल वॉल अब कंपोजिशन में अलग अलग होती है। यहाँ एल्गी और प्लांट की सेल वॉल को लिया गया है। एल्गी की जो सेल, जबकि फंगस की सेल वॉल तो काइटिन की बनी होती है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोस, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, पॉलीसेक्राइड हैं, जिनके बारे में हम बायोमॉलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी और बायोमॉलिक्यूल ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्लांट की जबकि जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोस से बनी हुई होती है, लेकिन उसके अलावा जो कंपोजिशन पाया जाता है वो हेमी सेलुलोस, पेक्टिन, प्रोटीन भी पाई जाती है। ये सब के सब पॉलीसेक्राइड हैं। अच्छा, सेल वॉल जो होती है ये प्राइमरी वाली डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सेकेंडरी वाली बच जाती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का मतलब समझ लीजिए मिडिल पर्सन, यानी दो पर्सन को जोड़ने वाला थर्ड पर्सन होता है मिडिल लैमेला। दो सेल को ग्लू करेगा, जोड़ने का काम करेगा मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट से। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिडिल लैमेला किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम पेक्टेट से। अगर मैं इसके बगल में एक छोटा सा सेल और बना दूं तो ये क्या होगा, दोनों सेल को जोड़ने वाला काम करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला को ही हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला ही को बोलते हैं क्या, जोड़ने वाला या कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है। जबकि आपकी बुक में लिखा हुआ है मिडिल लैमेला और सेल वॉल के बीच से, ट्रावर्स द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, एक स्ट्रक्चर होता है जो इसके बीच से गुजरता है जिसका नाम होता है प्लाज्मो डेस्मेटा। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है प्लाज्मो डेस्मेटा। प्लाज्मो डेस्मेटा क्या करता है, दो सेल के नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है प्लाज्मो डेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, जबकि मिडिल लैमेला क्या करता है, दो नेबरिंग सेल को ग्लू करता है, चिपका देता है, जोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ ये बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट का। मिडिल लैमेला बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट का। तो आज हमने सेल वॉल को देखा। सेल वॉल फंजाई प्लांट में पाया जाता है, एल्गी भी प्लांट ही का एक मेंबर है क्योंकि प्लांट किंगडम में एल्गी भी आता है। अच्छा, सेल वॉल दो तरह का होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल, एक सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल लिविंग होती है, ग्रो कर सकती है, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो नहीं कर सकती, नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल जो होता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से, फंक्शन इन्फेक्शन से, दूसरी सारी चीज़ों से बचाता है। जो सेल वॉल होता है कंपोजिशन में डिफर करता है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोस से, गैलेक्टेंस से, मैनन्स से, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोस से, हेमी सेलुलोस, पेक्टिन, प्रोटीन से बनी हुई होती है।
जो मिडिल लैमेला होता है दो सेल को जोड़ने का काम करता है, कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है। आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।